हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर को तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जूल थॉमसन कॉफिशियंट और इनवर्जन टेम्परेचर को तो जूल थॉमसन कॉफिशियट होता क्या है जूल और थॉमसन जो हमारे साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जब रियल गैस का एक्सपेंशन होता है एडियाबेटिकली वो डिपेंड करता है इनिशियल टेम्परेचर पे और हमारा प्रेशर जबकि पे जबकि वहां पर जो इंथेरेपी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है कॉन्स्टेंट इंथेरेपी रहती है ड्यूरिंग एक्सपेंशन तो मैथेमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे म्यू जे टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर बाई मी चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट इन थेपी तो इसको डिफाइन कर देंगे हम जूल थॉम्सन कॉफिशियंट इज डिफाइंड एज द डेरिविटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इन दिस प्रोसेस सो जूल कॉफिशियंट जूल थॉम्सन कॉफिशियंट कॉफिशियंट मे बी डिफाइंड एज डिफाइंड एज the temperature the derivative of the derivative of temperature with respect to pressure with respect to pressure in this process in this process. Mm -hmm. kaise okay, so define karin mm -hmm. Joule Thomson coefficient ko derivative of temperature with respect to pressure in this प्रोसेस तब जो इम्यू जे है इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है तो देखिएगा पॉजिटिव कब होगी म्यू जे की वैल्यू म्यू जे इज इक्वल टू पॉजिटिव म्यू जे हमारा पॉजिटिव है दूसरा केस क्या हो सकता है म्यू जे नेगेटिव थर्ड केस म्यू जे जीरो है आ रही इसकी वैल्यू तो देखिएगा जब हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो यहाँ पे होती है हमारी कूलिंग अगर कूलिंग है तो म्यूजिटी नेगेटिव आएगा अगर म्यू अगर हमारी यहाँ पे हीटिंग है तो म्यूजिटी क्या एगा? नेगेटिव आएगा और अगर नाइदर हीटिंग नोर कूलिंग तो म्यूजिटी जीरो होगा नाइदर हीटिंग एंड नोर नॉर कूलिंग ना ही वहाँ पे हीटिंग होगी ना ही कूलिंग होगी तो म्यूजेटिक इसके कोल आ जाएगा जीरो के कल आ जाएगा अब देखिए जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है अगर वो क्या हो हमारा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो हो उस पर डिपेंड करेगा जो हमारा चेंज इन प्रेशर है वो तो हमेशा क्या है? नेगेटिव आने वाला है ऐसा क्यों बिकॉज जो हमारी गैस है वो कौन से रीजन में जा रही है लो प्रेशर वाले रीजन में जा रही है तो जो हमारा फाइनल प्रेशर है वो क्या हो रहा है बच्चों डिक्रीज हो रहा है फाइनल प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो चेंज इन प्रेशर क्या आएगा हमारा नेगेटिव में आएगा तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा बात अब टेम्परेचर की है अगर हमारी कूलिंग हो रही है कूलिंग में क्या होगा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा तो फाइनल क्या है हमारा कम है तो, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी अगर हम डिफरेंस करेंगे वैल्यू क्या आएगी हमारी नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिव ऊपर है नीचे नेगेटिव है तो म्यूजिटी क्या आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा किस केस में कूलिंग के केस में तो वहां पर क्या हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज तो क्या होगी

म्यूजेटी पॉजिटिव कब होगा म्यूजेटी नेगेटिव कब होगा जीरो कब होगा पॉजिटिव पे कूलिंग नेगेटिव पे हीटिंग और जीरो पे नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग तो कूलिंग कहाँ पे होती है हमारी मोस्ट ऑफ गैसेस में होती है तो ये हो जाएगा मोस्ट ऑफ गैसेस मोस्ट ऑफ गैसेस हमारी किस्में आएंगी यहाँ पे आएंगी म्यूजेटी पॉजिटिव होता है म्यूजेटी नेगेटिव हीटिंग ये किस किसम होता है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम में ऑर्डरी टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन हीलियम होती है उनका म्यूजिटी क्या होता है नेगेटिव होता है वो हीट करती है सो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम हीलियम एट ऑर्डनरी टेम्परेचर एट ऑर्डनरी टेम्परेचर नेक्स्ट म्यूजेटी जीरो न इधर हीटिंग नोर कुलिंग कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो कौन सी होती है हमारी ऑब्वियसली आइडियल गैस ठीक है वो कौन सी हो जाएंगी हमारी आइडियल गैस तो म्यूजेटी जीरो आइडियल गैस म्यूजेटी नेगेटिव हाइड्रोजन ही टेम्परेचर म्यूजेटी पॉजिटिव मोस्ट ऑफ हमारी जो गैसेस हो जाएंगी वो तो ये था बच्चों हमारा अबाउट जूल थॉमसन कोफिशियंट नेक्स्ट टर्म आती है हमारी इनवर्जन टेम्परेचर क्या होता है इनवर्जन टेम्परेचर इनवर्जन टेम्परेचर तो ये क्या होता है देखिए बच्चा ऐसा टेम्परेचर जहां पे ना ही तो हीटिंग हो और ना ही कूलिंग हो इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे इनवर्जन टेम्परेचर ये गैस का वो टेंपरेचर होगा जहां पे नहीं तो गैस की हीटिंग होगी ना ही वो कूलिंग शो इफेक्ट करेगा ठीक है तो ऐसा जो टेम्परेचर है उसे हम क्या बोलेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर सो देश गैस शूज ना इधर हीटिंग ना इधर हीटिंग ना ही तो हीटिंग नोर कूलिंग ना इधर हीटिंग नोर कूलिंग इफेक्ट उसे हम क्या बोल देंगे इन्वर्जन टेम्परेचर अल्टीमेटली मतलब क्या हो जाएगा इसका म्यूजिटी क्या है हमारा जीरो है ना ही कूलिंग है नहीं हीटिंग ही है तो मतलब क्या है म्यूजिटी इज इक्वल टू तो ज़ीरो मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है किसी भी गैस का उस पर ना ही तो वो हीट करती है और ना ही कूल करती है तो बहुत सारी जो गैसेस होती हैं हमारी मोस्ट ऑफ़ गैसेस है जो जिनका जो म्यू म्यूजिटी है जो हमारा जूल थॉम्सन को है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है तो मोस्ट ऑफ़ गैसेस का क्या है मोस्ट ऑफ गैसेस जो होंगी हमारी उनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है इन्वर्जन टेम्परेचर वो क्या रहता है हाई होता है आई होता है और बिलो इनवर्जन टेंपरेचर क्या होता है बच्चा बिलो इनवर्जन टेंपरेचर हमारी कूलिंग होती है और अबव इनवर्जन टेंपरेचर क्या होती है हमारी हीटिंग होती है तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिलो इनवर्जन टेंपरेचर बिलो इनवर्जन टेंपरेचर ठीक है और ये क्या हो जाएगा अबव इनवर्जन टेंपरेचर अबव इनवर्जन टेंपरेचर बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर गैसेस जो है वो कूलिंग इफेक्ट को शो करती हैं और अबव इन्वर्जन टेम्परेचर जो गैसेज है वो हीटिंग इफेक्ट को शो करती है मान लीजिए हम कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं मान लीजिए ये हमारा क्या है इन्वर्जन टेम्परेचर है हमारी एक पर्टिकुलर गैस का तो ये जो टेम्परेचर है इस पे जो हमारी गैस होगी वो ना ही तो हीटिंग ना ही कूलिंग शो करेगी अब इससे ऊपर और इससे नीचे की बात है अगर अबव इन्वर्जन टेम्परेचर है तो क्या होगा हमारी हीटिंग हो जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगी गैस हीट करेगी यहाँ पे हीट करेगी और बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर है तो वो क्या करेगी हमारी बिलो इनवर्जन टेम्परेचर है तो वो कूल करेगी कूलिंग इफेक्ट आएगा

हीटिंग का इफेक्ट आता है ऐसा क्यों बिकॉज जो हाइड्रोजन और हीलियम होती है उनका जो ये होता है हमारा इनवर्जन टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा लो होता है तो क्या होता है इनवर्जन टेम्परेचर यहां पे लिख देते हैं हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन और जो हमारी हीलियम रहती है हाइड्रोजन एंड हीलियम के पास क्या होता है लो लो इन्वर्जन टेम्परेचर लो इन्वर्जन टेम्परेचर देअ cooling effect sorry heating effect therefore show heating effect heating effect at ordinary ordinary temperature याद कर लेना बच्चा इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारी हाइड्रोजन और हीलियम होती है वो रूम टेम्परेचर पे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हीटिंग शो करती हैं हीटिंग इफेक्ट ऐसा क्यों बिकॉज उनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है वेरी लो लो होता है उनका देखिए अब इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है उनका कम है अगर इन्वर्जन टेम्परेचर क्या हो गया लो हो गया तो वो जो हमारा रूम टेम्परेचर ऑर्नली टेम्परेचर है उस पर वो क्या शो करेंगी हीटिंग इफेक्ट शो करेंगी इसलिए जो हमारी हाइड्रोजन और हीलियम होती है उनका जो लो है इन्वर्जन टेम्परेचर वो शो करती हैं हीटिंग इफेक्ट को सो के स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही